आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थॉमसन के ओट प्रो सीरीज के, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 55 इंच वाले वेरिएंट की बात करूंगा और भी बताऊंगा कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये टीवी मेड इन इंडिया है या नहीं है, और कौन से टीवियाँ हैं जो इसको कॉम्पीट कर रही है उस प्राइस रेंज में, क्या ये टीवी बेस्ट है। मैं साइड बाय साइड बाकी टीवी से भी इसको कंपेयर करूंगा ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। थॉमसन एक फ्रेंच ब्रांड है। इंडिया में इसके राइट नोएडा बेस्ड सुपर पेट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है और उनका कहना यह है कि जो थॉमसन की जो न्यू सीरीज है उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चर की है। तो चलिए इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो ये एक 4K टीवी है जो IPS पैनल के साथ आता है। इसका जो वाइड व्यूइंग एंगल है वो 178 का है, तो आप घर के किसी भी कोने में बैठे हो तो आप टीवी का मजा ले सकते हो। इसमें डायरेक्ट LED ब्लैक लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ का है। इसमें MEMC टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो जिससे आप एक्शन मूवी गेमिंग का मज़ा ले सकते हो बहुत ही आसानी से। इसकी जो ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रेशियो है वो 5:1 का है, तो आपको कलर रिप्रोडक्शन और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस टीवी के साथ। ये टीवी HDR10 HLC डॉल्बी विजन सबको सपोर्ट करती है। तो चलिए इसके साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 30 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है जो कि डाउन फेसिंग है। ये टीवी DTS 2 सराउंडिंग डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करती है। बाकी टीवियों की तरह ये भी बेजललेस डिज़ाइन के साथ आती है, काफ़ी स्लिम है और लुकिंग वाइज काफ़ी प्रीमियम लगती है टीवी। तो चलिए इस टीवी के रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं। ये टीवी 1.7 GB के रैम और 8 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। लास्ट टाइम जब थॉमसन ने अपनी टीवी इंडिया में लॉन्च की थी तो उन्होंने 2 GB के रैम और 16 GB के स्टोरेज के साथ लॉन्च की थी। इस बार उन्होंने रैम और इंटरनल मेमोरी दोनों कम की हुई है। तो चलिए इस टीवी के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वाडकोर का प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका नाम है CA53 और ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए इसमें मालिका 450 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जो सब टीवी में लगा होता है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 1 GHz की है। सो इस टीवी के साथ आपको एक ब्लूटूथ रिमोट मिलता है जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और उसमें बहुत सारे डेडिकेटेड बटन्स लगे हुए हैं फॉर नेटफ्लिक्स यूट्यूब अमेजोन प्राइम गूगल प्ले सबके लिए, और इससे आप वॉइस कमांड दे सकते हो अपने टीवी को। तो ओवरऑल जो जिसका रिमोट है काफ़ी अच्छा है। ये एक ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी है जिसकी वजह से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। इसमें गूगल क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले और आपकी जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशन है जो OTT प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट देखते हो वो सारी की सारी इसमें प्री इंस्टॉल आएगी। तो चलिए इस टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक सिंगल वाईफाई बैंड मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इस टीवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसका रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज। इस प्राइस रेंज में व्यू और जो आईफोन की टीवी है वो 2 GB के रैम और 16 GB के इंटरनल दे रही है और थॉमसन सिर्फ 1.7 GB के रैम और 8 GB के इंटरनल स्टोरेज दे रही है, जो हालांकि बहुत ही कम है 2020 के हिसाब। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है इसके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जो ओनली 1 GHz है। इस प्राइस रेंज में जो बाकी जो टीवी हैं वो 1.4 1.6 तक दे रही हैं और 2020 के हिसाब से थोड़ा डाउनग्रेड है। इसका जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका सिंगल बैंड वाईफाई। बाकी की जो टीवी है इस प्राइस में जो इसे कंपेयर कर रही है व्यू की iFalcon की, वो डुअल बैंड वाईफाई दे रही है। ये 4K टीवी है तो यार आपको डुअल बैंड वाईफाई लगेगा क्योंकि कंटेंट आप 4K में स्ट्रीम करने वाले हो। सो इस प्राइस रेंज में थॉमसन की 55 इंच वाले टीवी को 2 TV काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन दे रही है। एक है iFalcon की टीवी और दूसरी है व्यू की प्रीमियम 55 इंच वाली टीवी। दोनों टीवी काफ़ी अच्छी है। iFalcon की टीवी 30,000 की रेंज में आती है और व्यू की प्रीमियम 4K की टीवी 34,000 में आती है। और व्यू की टीवी के पास कुछ एडिशनल एडवांटेज हैं जैसे उसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 40 वॉट का स्पीकर है, वो फ्रंट फेसिंग है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, व्यू एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं। और थॉमसन की जो टीवी है सेम है, बता रैम कम है और थोड़ा स्पीकर में मार खा जा रहा है, बट ओवरऑल थॉमसन की टीवी भी काफ़ी अच्छी है। आप चाहो तो ले सकते हो, मेड इन इंडिया टीवी है, व्यूइंग एंगल 178 का है तो हर कोने से देख सकते हो इस टीवी को, आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट अगर मुझे टीवी लेनी होती 55 इंच की इस प्राइस रेंज में तो मैं व्यू की तरफ जाता क्योंकि कुछ एडिशनल एडवांटेज है उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना यार।